मध्य प्रदेश को मिला पांचवां कृषि कर्मण अवार्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया पुरस्कार ग्रहण। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के किसानों को दिया इस पुरस्कार का श्रेय। इंदौर में रेल मंत्री पीयूष गोयल और लोकसभा अध्यक्ष ने किया रेलवे के कई विकास कार्यों का शिलान्यास और भूमि पूजन। इंदौर देवास उज्जैन रेलवे लाइन के दोहरीकरण और लक्ष्मीबाई नगर रतलाम रेलवे लाइन विद्युतीकरण कार्य की रखी गई आधारशिला। उज्जैन से काशी विश्वनाथ तक चलेगी महाकाल एक्सप्रेस। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने उज्जैन में आयोजित रेलवे के भूमि पूजन कार्यक्रम में की घोषणा। उज्जैन आगर झालावाड़ रेल लाइन के सर्वे का भी काम हुआ शुरू। होशंगाबाद जिले के बांद्रा भान में आयोजित पांचवें नदी महोत्सव का हुआ समापन। कार्यक्रम के समापन सत्र को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया संबोधित। महोत्सव में सैकड़ों प्रतिभागियों ने किया नदी संरक्षण पर चिंतन मनन। नदी महोत्सव के समापन सत्र को विधानसभा अध्यक्ष सीता शरण शर्मा ने किया संबोधित। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनिल माधव दवे के पर्यावरण संरक्षण पर दिए गए योगदान का किया स्मरण। मां नर्मदा के पौराणिक ऐतिहासिक महत्व को किया प्रतिपादित। उज्जैन में आयोजित विक्रम महोत्सव में शामिल हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। कार्यक्रम में पार्श्व गायक अभिजीत भट्टाचार्य को विक्रमादित्य अलंकरण सम्मान से किया सम्मानित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेबकास्टिंग के जरिए देश के 24 कृषि विज्ञान केंद्रों का किया उद्घाटन। इस अवसर पर दिए गए प्रधानमंत्री के उद्बोधन का राज्य के कई जिलों में स्थित कृषि विज्ञान केंद्रों पर किया गया प्रसारण। किसानों को आधुनिक खेती की बताई गई तकनीकें। प्रदेश भर में चैत्र नवरात्र को लेकर श्रद्धा और भक्ति का माहौल। इस बार 8 दिन की ही होंगी नवरात्र। प्रदेश के सभी दुर्गा मंदिरों और तीर्थों पर उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। अशोकनगर जिले के कचनार में वृहद विधिक साक्षरता शिविर का किया गया आयोजन। जिले की 40 ग्राम पंचायतों के ग्रामीणों को न्यायाधीशों और विधि विशेषज्ञों ने दिया कानूनी लाभ लेने के संबंध में जानकारी। जबलपुर स्थित मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश हेमंत गुप्ता ने 17 नवनियुक्त जजों को दिलाई शपथ। कार्यक्रम के दौरान रजिस्ट्रार जनरल मोहम्मद फहीम अनवर ने किया राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्तियों का वाचन। राजधानी स्थित राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान में वार्षिकोत्सव कार्यक्रम का किया गया आयोजन। कार्यक्रम में माखनलाल पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलपति बी के कुठियाला, प्रमुख सचिव संस्कृति मनोज श्रीवास्तव सहित कई शिक्षाविद रहे मौजूद। खंडवा में आयोजित मुख्यमंत्री कन्या विवाह समारोह और अंत्योदय मेले में शामिल हुए मंत्री विजय शाह। नव विवाहित वर वधु को आशीर्वाद देते हुए विवाह योजना के तहत दिए जाने वाले हित लाभों का किया वितरण। जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अपने विधानसभा क्षेत्र दतिया में कई कार्यक्रमों में लिया हिस्सा। स्थानीय विवेकानंद पीजी कॉलेज में आयोजित करियर मेले का किया समापन। श्रीलंका में चल रही त्रिकोणीय T20 सीरीज का फाइनल मुकाबला आज। भारत और बांग्लादेश के बीच होगी सीरीज की खिताबी भिड़ंत। लीग मुकाबलों में बांग्लादेश को सभी 2 मुकाबलों में दी है भारत ने शिकस्त। और प्रदेश भर में गर्मी के तेवर हुए सख्त। राजधानी सहित प्रदेश के कई जिलों में 38 डिग्री के करीब पहुंचा तापमान। अगले कुछ दिनों तक तापमान में गिरावट के नहीं है आसार।